सर देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे, यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सब हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आरे हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी, तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है। इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल, या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? उनपे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है, तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधार रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी, आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की बस्तरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए।